मानसून की पहली बरसात में उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच के लगभग सभी विभाग का परिसर झील में तब्दील हो गया है। अच्छी बात यह है कि पानी अभी किसी वार्ड के अंदर नहीं पहुंचा है, लेकिन अस्पताल परिसर में लगभग घुटने भर पानी लगा है, जिसके कारण डॉक्टर और मरीज के साथ उनके परिजन को आने जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पिछले 5 दिनों से हो रही लगातार वर्षा के कारण अब मेडिसिन विभाग के आईसीयू के छत से पानी टपकने लगा है, जिसके चलते वहां पर इलाज करा रहे मरीज के साथ साथ उनके परिजन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अपने पिता का इलाज कराने आए रामा शंकर मिश्रा ने कहा कि आईसीयू की स्थिति ऐसी है कि गत 4 दिनों से हो रही वर्षा के कारण छत से टपक रहा पानी की सीमा नहीं है। यह सब देखकर लगता नहीं है कि यह अस्पताल है और आईसीयू है, इससे अच्छा तो सड़क पर डॉक्टर इलाज करते तो मरीज ठीक हो सकता था। अरे पिताजी यहाँ लगभग 20 दिनों से हैं आईसीयू में। आईसीयू की हालत तो बिल्कुल बुरी है, यहाँ आप छत चू रहे हैं लोगों को, उसमें बाथरूम है, बाथरूम की सफाई नहीं है, लैट्रिन की कोई सफाई नहीं होती है, पानी ऐसे जमा हुआ है और पेशेंट क्या करेंगे। हम लोग जाते हैं वहाँ धो करके इसी तरह आते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, शिकायत करते हैं, शिकायत पर भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है, हाँ ना करके सब चले जाते हैं, देखभाल कोई नहीं करते, यही हमारी समस्या। बाहर से दवाई सब कैसे फिर लेके आते हैं? जी दवाई सब खरीद करके लाते हैं, पानी से होकर के जाते हैं और आते हैं, दिन में कम से कम 50 बार जाना होता है एक पेशेंट के लिए। दरअसल गहन चिकित्सा केंद्र आईसीयू जहां वैसे मरीज रखे जाते हैं जो जीवन एवं मौत से जूझ रहे होते हैं, ऐसे में आईसीयू के छत से पानी टपकना तथा मरीज के हर जरूरत के सामान सहित दवा लेने इसी गंदगी पानी से होकर के बाहर जाना पड़ता है। लेकिन परिजनों की माने तो शिकायत के बाद भी अस्पताल प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगता है। वहीं अपनी सास की इलाज करवा रही अस्मिता झा ने कहा कि पिछले 7 दिनों से इलाज करवा रही हूं और जब जब वर्षा होता है तो छत से पानी चूने लगता है, जिसके कारण हम लोग काफ़ी परेशानी के सामना कर रहे हैं, क्योंकि बेड पर जो मरीज सोते हैं लेकिन जो हम लोग नीचे सोना पड़ता है, ऐसे में जब पानी पड़ता है तो हम लोग भीग जाते हैं। जल से पूरा भरा हुआ है, क्या क्या समस्या है? हर कुछ में समस्या है, जाने में आने में, खाना लाने में, पानी भर के लाने में, बाथरूम जाने में, सब कुछ करने में तो समस्या ही हो रहा है। इतना दूर यहाँ से वहाँ जाएंगे तो इतना पानी कपड़ा पूरा भीग जाता है, तो समस्या ही समस्या है ना। तो आपने इसकी शिकायत किसी से की? हम तो अभी तक नहीं किए हैं, और हमारे ही करने से क्या होगा, कम से कम सारे एकजुट होकर करेंगे तभी होगा। क्या नाम हुआ आपका? वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजरंजन प्रसाद ने कहा कि आपके माध्यम से इस बात की जानकारी हमें मिली है, इसके लिए पहले हम लोग भवन विभाग को लिखते थे, लेकिन अब इसको भवन विभाग से लेकर आधारभूत संरचना को दे दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बात की संज्ञान लेते हुए हमने पत्र लिखा कि इसे जल्द से जल्द ठीक करा दिया जाए ताकि आईसीयू के अंदर किसी प्रकार की परेशानी न हो। ये मुझे ज्ञात हुआ है और इसके लिए जो भवन निर्माण है उसको पहले हम लोग लिखा करते थे, लेकिन भवन निर्माण से शिफ्ट कर दिया गया है उनके दायित्वों को आधारभूत संरचना के अंदर डीएमएसआईसीयू। मैंने अभी उसके संज्ञान लेते हुए मैंने अभी एक पत्र लिखा है डीएमएसआईसीयू को, जैसे जल्द से जल्द ठीक करा दिया जाए, और उसके ऊपर अगर कचरा उचरा के कारण अगर कुछ पानी नाला जाम हुआ होगा उसकी भी सफाई।